कोई इसको 60 साल पहले हम ये नहीं सोच रहे थे कि परिवार टूटेंगे, क्योंकि हम जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारा कल्चर था, वो एक संयुक्त परिवार का था। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैंने अब देखा है विदेश में कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली इज कमिंग बैक। नाना नानी, दादा दादी, ये रिश्ते हम अपने समाज में भूल रहे हैं। और इंग्लैंड में, जो यूके में मैंने देखा, वो कॉन्सेप्ट वापस आ रहा है। इसीलिए जो इन्होंने आज सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेकिंग होम्स का विख्यात दिया, वो वास्तव में गंभीरता से हमको उसके संबंध में सोचना पड़ेगा कि 60 साल के बाद, जब हमने लड़कियों को इतना एम्पावर कर दिया, सक्षम बना दिया, कि वो अपने विषय में अच्छा बुरा सोचने के लिए स्वतंत्र है और सक्षम है, तो फिर क्या कारण है कि ये परिवार टूटते जा रहे हैं? ब्लेमिंग द लॉ और द लेजिस्लेशन इज नॉट इनफ। ये है कि हम अपना विवेक का उपयोग कर रहे हैं। हमने अपनी लड़कियों को तो पाल रहे हैं बेटे की तरह, पर बेटों को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि वो उस लड़की के साथ अब उसको रहना है जिसको हमने पूरा सक्षम बना दिया है और इक्वालिटी इक्वल लेवल पे लिया है। पहले देर वॉज अ डिफरेंस, बच्ची पैदा होती थी। फेमिनिस्ट विल बी अगेंस्ट मी, लेट मी टेल यू, आई एम अ करियर वुमन, आई वॉज अ प्रोफेशनल टू द कोर, एंड द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी वॉज अ मैन, दैट्स माई हस्बैंड। अगर मैं इस लेवल पे आज हूं और इतनी दृढ़ता से कुछ बात रख सकती हूं, उसका कारण, उसका श्रेय भी पुरुष को ही है। मेरे पिता, उसके बाद मेरे पति, इन दोनों की सपोर्ट से आज मैं उस लेवल पे पहुंची। इसीलिए मैं सोचती हूं कि जब हम बात करते हैं समाज को जोड़ने की या तोड़ने की, तो हमको मैन और वुमेन को, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, उन दोनों को उसको जिम्मेवार रखना पड़ेगा, और दोष दोनों पर है अगर परिवार टूटते हैं, केवल मेरी तो नहीं। ये इसलिए जरूरी हो गया है कि ड्यूरिंग माई करियर ऑल्सो आई थॉट कि एक मानसिकता होती है कि हम अगर कलाकार, वो परमर्शेंद्र जब जाते हैं, जो पुलिस स्टेशन के बाजू में रहता है, काउंसलिंग में, तो वहां पर भी लेडी को काउंसलिंग दी जाती है, अरे तेरे बच्चे हैं, तू अपने बच्चों का सोच और तू एडजस्ट करना सीख। नोबडी टेल्स द मैन आल्सो टू एडजस्ट। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, बिकॉज हमने उनको प्रिपेयर नहीं किया, लड़कों को प्रिपेयर नहीं किया, उनको तो फिर भी वो लड़के हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वो वैसे ही बड़े हुए हैं। ये अभी मैं सोशल एस्पेक्ट पे आती हूँ, जबकि जज सोशल एस्पेक्ट भी सोचता है, करता है। जब वो न्यायालय में आती है, तब भी हम लोग परिवार ना टूटे तो हम लोग सलाह देते हैं। हमारा फर्स्ट एफर्ट फैमिली कोर्ट्स में रहता है कि पहले समझौता करने का पूरा प्रयास किया जाए। वहां पर भी हम लड़की को ही बोलते हैं तुम एडजस्ट करो, देखो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम वापस जाओगी, तुम्हारे साथ शादी नहीं होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मिडिल क्लास मेंटालिटी ये है कि वो वर्जन डॉटर इन लॉ लाता है। ही वांट्स अ वर्जन एज अ वाइफ, ही वांट्स अ वर्जन डॉटर इन लॉ, बट बेटा वर्जन है कि नहीं, नोबडी सीज। और जब हम अपनी लड़की की भी शादी करते हैं, हम ये नहीं पूछते कि तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स पहले थी और तू कितनी बारी प्रोस्टिट्यूट सेंटर गया। वी हैव नेवर आस्क्ड दिस मैन। आपने दमाद जब ढूंढने जाओगे, आप कभी ये क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में ये नहीं देखोगे वो कितनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमा है। आप अपनी लड़की बहू लाने के लिए ये पूरा बायोडाटा लोगे कि वो किसके किसके साथ कॉलेज में घूमी, बैठी, पढ़ी, लिखी, ये सब। मतलब वी हैव अ डबल स्टैंडर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट वी आर ऑल पेरेंट्स। मैं भी पेरेंट्स हूं, एक लड़की और लड़के का, और ये डबल स्टैंडर्ड्स हम मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज्यादा है। तो वो सोच मैं नहीं बदल सकती एज ए न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश हूँ, अब तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से बदलने का प्रयास करवा सकती हूँ, लेकिन कुछ
कोर्ट में हम लोग नहीं बदलाव ला सकते, हमको कानून के दायरे में रहना पड़ता है और उसी दायरे में हमको अपना काम करना पड़ता है। निशा जी ने एक पॉइंट पूछी थी कि भाई ये आंकड़े क्या होंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गई, यू बी सरप्राइज कि आज की कंट्री में जो 2011 में रिपोर्ट आई है मेन एंड वुमेन इक्वालिटी जेंडर स्टेटस की, उसमें 43.4% क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज क्राइम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, पारिवारिक हिंसा जिसको कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की क्राइम इज 43.3%, पूरी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसमें 43% क्राइम इज बाय रिलेटिव्स एंड हस्बैंड अगेंस्ट अ वुमेन। कितने केसेस कोर्ट में जाते हैं, ओनली 10.4% केसेस गो टू द कोर्ट, इसको सोचना पड़ेगा। और वो इन्होंने फ्रॉम द सोशल एंगल जो पॉइंट बताई है इट इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस फिगर्स, व्हाट वाज द कन्विक्शन रेट, ओनली 8.3%, 43% डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 10% goes to the court and only 8% conviction. What is the reason? कारण क्या है? बहुत सारे कानून खूब बन गए, बहुत बढ़िया कानून बने to save the woman, but access to justice, न्याय पाने के लिए आज भी एक लेडी को बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। जो हम थोड़े से लॉयर फ्रेंड्स यहाँ देख रही हूँ लेडीज, या प्रोफेशनली आप और हम सक्षम हैं, हम लोग लकी हैं कि हम लोग उस तरफ पहुंच गए, वो भी मेल सपोर्ट से पहुंचे हैं, लेट मी टेल यू दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ आर वुमेन इन दिस कंट्री टुडे, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू अर्बन एरिया में, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिपोर्ट बोल रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कि अपने हेल्थ इश्यूज के लिए भी केवल 26% लेडीज डिसाइड कर पाती है, बच्चे होने हैं या नहीं होने हैं, उसको दो बच्चे चाहिए या तीन बच्चे चाहिए, या बस दो बेटियां होगी वो चौथा तीसरा नहीं चाहती है, पर वो उसमें प्रेशर है, शी कांट डिसाइड, फैमिली प्लानिंग उसको करनी है कि नहीं वो खुद नहीं डिसाइड कर पाती, केवल एक छोटा 26% को भी पढ़ी लिखी तो थोड़ी सारी है कि जो अपने अधिकार जानती है वो करेंगी, मायके जाना है या अपने दोस्तों के साथ मिलने जाना है केवल 10% अर्बन में, या मैं आपको बताऊं 10% कैन टेक दैट इंडिपेंडेंट डिसीजन टुडे, दीज आर द फिगर्स दैट हैव कम ऑन रिकॉर्ड इन द कंट्री। सो मेनली बाय मेकिंग लॉज इज नॉट एनफ, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन। टुडे वी सी देयर इज इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस किस लेवल से, बच्चे की लेवल से, सुसाइड्स इन भोपाल बाय यंग स्कूल चिल्ड्रन, सोचा हमने ये ब्रोकन होम्स के कारण, मैंने जब कहा कि ये नेशनल इशू हो गया है, वो नेशनल इशू इसलिए है कि जो टूटते परिवार या जो परिवार जिस जिनमें बच्चों के लिए समय नहीं है, उन परिवारों में बच्चे में टॉलरेंस लेवल कम है, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, स्कूल ड्रॉपआउट्स हो रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं, वायलेंट क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, दीज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन इंडिया टुडे। अमेरिका में आपने देखी नहीं, 21 साल का बच्चे ने धड़ाधड़ गोलियां चला दी, पहले अपनी माँ को मारा, फिर वो स्कूल वालों को मारा, और उसी स्कूल वालों को मारा जिस बच्चों को जिसमें उसकी माँ पढ़ाती, ही इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रोकन होम। सेम टाइम कि ये जो क्राइम्स हो रही है, रेप फॉर एग्जांपल, रेप इज नाउ द इशू, क्योंकि अब वो दिल्ली जैसी जगह पर और चलती बस में पढ़ी लिखी लड़की के साथ हुआ, अकेली भी नहीं थी, उसके साथ एक आदमी भी था, उसको भी पिटाई हो गई, और आज अभी हम जब मैं आ रही थी यहाँ तो हेडलाइन आ रही थी कि एक एक्यूज ने मना कर दिया कि वो अपना आइडेंटिफिकेशन प्रेड के लिए नहीं जाएगा, सीधा अडॉसिटी, दैट मीन्स कानून से डर नहीं, कानून है